सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज काफी देखे जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर रविवार को हुई भगदड़ का वीडियो है। इसमें दिखाई दे रहा है कि भारी भीड़ कैसे एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह चढ़ती हुई दिख रही है, जिसके चलते ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में ही भगदड़ मची है। इस भगदड़ में 10 लोग मारे गए हैं। बांद्रा टर्मिनल्स के एक प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हुए नजारे में ट्रेन पर चढ़ते लोगों का पागलपन साफ दिखाई दे रहा है, जो दूसरे यात्रियों को पैरों तले रौंदने से भी कम नहीं हो रहा है। बता दें, त्योहारों के चलते बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग अपने अपने पैतृक घर जा रहे हैं। इसके चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। रविवार को ही मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए बांद्रा स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन लोगों के हुजूम के चलते सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। जैसे ही बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी, तो उसमें चढ़ने के लिए लोग टूट पड़े। भीड़ के चलते ट्रेन में चढ़ने के लिए हंगामा हो गया। भीड़ के चलते ही कई लोग गिर गए, लेकिन लोगों के गिरने के बाद भी चढ़ने का लोगों का जुनून कम नहीं हुआ और इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए। भगदड़ की एक तस्वीर में दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति घायल पड़ा है, लेकिन लोग उसकी मदद के बजाय ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में भगदड़ तो नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरह से लोग का हुजूम ट्रेन पर चढ़ने के लिए मारामारी पर उतारू है, उसे देखकर डर जरूर लग रहा है। दिवाली और छठ आदि त्योहारों पर लोग अपने घर जाने के लिए रेलवे के 130 त्योहारों विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसके बावजूद स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन करने में रेलवे और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।